What's up, student? Hi, I'm Kusum. On behalf of Bright Beginners, today we will discuss few thesis lines which are considered as a heart of every writing task too. Okay? As we all know that there are four to five type of questions in which we have to write the thesis line in the introduction. So here I'm with our first thesis line which is of advantages and disadvantages. ओके इन एडवांटेजेज एंड डिसवानटेजेज टाइप ऑफ एस ए वी कैन राइट एज दिस एस ए विल हाईलाइट दैट दिस इज अ सर्टनली एडवाटेजियस डिस्पाइट अ फ्यू इन एविटेबल ड्रॉबैक्स एज मोस्टली स्टूडेंट दे राइट डैट दिस एस ए विल एलैबोरेट द रीज़न बिहाइंड इन एंड सब्सिक्वेंट क्लॉजेज मीन्स जो नीचे दिए गए पैराग्राफ है उसमें मैं डिटेल में ये बताऊंगा बट इट इज नॉट गुड एज वी कैन नॉट ईजी स्कोर अ हाई बैंड

अब इस में क्या रिवील कर रहा है दिस एसे विल हाईलाइट दैट दिस इज अटनली एडवांटेजेस की इस ऐसे में जो है कुछ एडवांटेजेस हैं डिस्पाइट अ फ्यू ड्रॉबैक्स है बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं लेकिन हम जो कुछ ड्रॉबैक्स है जो कुछ डिस एडवांटेजेस हैं हम उनको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्लियर ओके नाउ वी विल मूव टुवर्ड आर सेकेंड दैट टाइप इज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दिस एसे विल नॉट ओ ओनली हाई लाइट और विल नॉट विल नॉट ने भी हमारा क्या कर दिया है इस थीसिस लाइन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है दिस एसे विल नॉट ओनली हाई लाइट कहते ये ऐसे जो है ये अकेला प्रॉब्लम्स को हाई लाइट नहीं करेगा एसोसिएटेड विथ दिस इशू जो इस इशू के साथ जुड़ी हुई हैं बट ऑल्सो प्रेजेंट सम पोटेंशियल मेजर्स टू रिजोल्व इट कहते उसके साथ साथ ये हमें कुछ सोल्यूशंस भी बताएगा क्लियर नाउ आर थर्ड टाइप इज डिस्कस बोथ व्यूज डिस्कस बोथ व्यूज में क्या करना होता है हमें हमें दोनों ही व्यूज जो हैं जो कुछ सम पीपल थिंक डैट एंड अदर्स पीपल थिंक डैट हमें दोनों ही व्यूज को डिस्कस करना होता है बट हमें एक व्यू को हाईलाइट करना होता है कि हमारे अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी चीज़ सही है हम किसकी तरफ ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं हमें वो चीज़ बतानी होती है तो दिस एस विल हाईलाइट बोथ ओपिनियंस ये दोनों ही ओपिनियंस को बताएगा एंड ऑल्सो इलेबोरेट द आर्ट सर्टेनली रिक्वायर्स मास्टरी ओवर द फंडामेंटल्स ऑफ इट जैसे ये मैंने क्या बता दिया एक स्पेसिफिक कि मैं जो फर्स्ट व्यू है उसकी तरफ हूँ फॉर्मर व्यू की तरफ हूँ या लेटर व्यू की तरफ हूँ तो मैंने यहाँ पे ये मेरा मतलब फॉर्मर व्यू जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसे जो है ये दोनों ओपिनियंस एक्सप्लेन करेगा लेकिन जो मैं इलाबोरेट करूंगी वो क्या है कि जो आर्ट है उसमें मास्टरी जो है वो कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर है मींस कि आर्ट को सीखने के लिए हमें पहले उसका बेसिक सीखना पड़ेगा क्लियर तो इसे एग्जामिनर को क्लियर हो रहा है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि उसने दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू दोनों जो ओपिनियंस है उनको तो क्लियरली इलाबोरेट कर दिया लेकिन जो स्टूडेंट है वो किसकी तरफ है वो ये कह रहा है कि हाँ कि जो हमारा फर्स्ट व्यू है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक आर्ट है उसको सीखने के लिए हमें उसके जो बेसिक है जो फंडामेंटल टूल्स हैं वो हमें आने चाहिए क्लियर ओके नेक्स्ट टाइप एग्री एंड डिसएग्री अब इसमें क्या होता है मोस्टली क्वेश्चन आता है डू यू एग्री और डिसएग्री देन वी हैव टू गो हंड्रेड परसेंट मीन हमें वन साइड जाना है या तो हम स्टेटमेंट के साथ टोटली totally एग्री होंगे या हम स्टेटमेंट के साथ टोटली totally डिस होंगे तो उस केस में हम थीसिस लाइन क्या लिखेंगे दिस एस विल हाईलाइट डैड दिस सर्टनली आर रैशनल अप्रोच रैशनल अप्रोच मतलब ये सही होगा डैट नीड्स टू बी ऑप्टेड कि हमें इस अप्रोच को मानना होगा मीन्स या तो आप कहोगे कि हाँ मैं ये एग्री हूँ ये एग्री हूँ इस लाइन इस स्टेटमेंट के साथ और इस चीज़ को हमें क्या करना है एक्सेप्ट करना है क्लियर अब कई बार हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं वो डबल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें थीसिस लाइन क्या लिखनी होती है दिस एस विल हाईलाइट डैट वाई हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि जो हैप्पीनेस है वो आजकल बहुत मुश्किल क्यों है या हम ये भी कह सकते हैं वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू एंड हाउ वी कैन अचीव इट ठीक है हमारे पास ये क्वेश्चन है तो उसके लिए हम थीसिस लाइन क्या लिखेंगे अब ना ही उन्होंने पूछा है कि डू यू एग्री और डिसएग्री ना ही हमारे पास क्वेश्चन है कि डिस्कस बोथ व्यूज ना ही हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस अब हमारे पास कोई भी टाइप नहीं है जो हमने पहले डिस्कस की है इसमें से तो इस जर्नल से क्वेश्चन में हमारी थीसिस लाइन क्या होगी जस्ट उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट को हमें लेबोरेट करना है इन आर टास्क तो उस तरह के क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे दिस एसे विल हाईलाइट दैट जो हमारा क्वेश्चन है उसके आगे हम क्या लगा देंगे वाई अब वाई लगने से क्या होगा ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा जिससे थोड़ा सा हमारी स्कोर होने में हाई अच्छा स्कोर होने में चांसेस हैं तो वाई हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन कि हैप्पीनेस जो है वो एक्सप्लेन करनी मुश्किल क्यों है एंड हाउ इट कैन बी अटेन और क्या कारण है या किस तरह से हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं एंड लास्ट नॉट द लीस्ट ये है हमारा कॉजेज एंड सोल्यूशन अब जिसमें हमारे पास क्वेश्चन होता है कि जैसे पोल्यूशन पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है वट आर द कॉजेज एंड वट आर द सोल्यूशन इसके क्या कारण हैं और इसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो उस केस में हम थीसिस लाइन क्या लिखेंगे द क्वेश्चन वट आर द कॉज ऑफ यूजिंग अब यहाँ पे हम यूजिंग के अभी और क्या लिख सकते हैं वट आर द कॉजिंग ऑफ पल्यूशन एंड हाउ दिस हैज़ इम्पैक्टेड द इंडिविजुअल्स हेल्थ और इसका क्या प्रभाव पड़ा है इंडिविजुअल्स हेल्थ के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर विल बी जस्टिफाइड अगर तो ये चीज़ है अगर ये चीज़ उन्होंने पूछी है विद इफ़ेक्ट तब हम ये लिखेंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है इंसानों की सेहत के ऊपर एज वेल सोसाइटी के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा अगर उन्होंने विथ सोल्यूशन पूछा है जब हमने सोल्यूशन भी बताने हैं तो हम क्या लिख देंगे विल बी जस्टिफाइड विद द पोटेंशियल मेजर्स अब इस, इस लाइन में हमारी तीन चीज़ें कवर हो चुकी हैं कॉजेज जहाँ पे हमने लिखा है कॉजिज ऑफ पॉल्यूशन सेकेंड है इफेक्ट हाउ दिस हैज इम्पैक्टेड और उसका सोल्यूशन विद द पोटेंशियल मेजर्स होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू